सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रहे 148वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के तहत आयोजित हो रही श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को सीनियर वर्ग की गायन प्रतियोगिता अटारी बॉर्डर अमृतसर के गांव महावा के सुखमन सिंह ने जीती। इसी तरह जूनियर वर्ग की स्वर वाद्य स्पर्धा बरेली उत्तर प्रदेश की मनरीत कौर ने जीती, जिसने वायलिन पर राग जोग प्रस्तुत किया। हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता के नियम अनुसार सीनियर कैटेगरी के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले वर्ष बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के मुख्य मंच पर प्रस्तुति देते हैं। अब गायन प्रतियोगिता जीतने वाले सुखमन सिंह अगले वर्ष हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के मुख्य मंच पर होंगे। इससे पहले संगीत प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत डायरेक्टर SS अजीमल, संगतराम उपाध्यक्ष डॉ. कुलविंदर दीप कौर, संगीत प्रतियोगिता की टीम व निर्णायकों ने ज्योति प्रज्वलित करके की। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित इस प्रतियोगिता की शुरुआत स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल JP नगर के विद्यार्थियों ने शब्द गायन से की। इसके बाद सरस्वती वंदना और हरिवल्लभ वंदना भी प्रस्तुत की गई। जूनियर कैटेगरी की संगीत प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति से पूरे वातावरण को मधुर स्वर लहरियों के रंग में रंग दिया। सीनियर कैटेगरी में 19 प्रतिभागियों ने ख्याल गायन प्रस्तुत कर माहौल को सुरमयी बना दिया। इस मौके पर रोमेश मोदगिल, महेश दीक्षित, डॉक्टर ज्योति मित्तू, मदन राणा, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, डॉक्टर पूनम शर्मा, डॉक्टर सुधा शर्मा, वंदना शर्मा, डॉक्टर लता, विमलजीत कौर, गीता बावरा, मोहनदीप, किरण बावरा, VK गुप्ता व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, मैं सतगुरु प्रताप सिंह जी को भी कीर्तन करते सुना है, मैंने सतगुरु महाराज जगजीत सिंह जी को भी सुना है। मैं कहता हूँ जितना नामधारी संप्रदाय का पंजाब में योगदान है संगीत के लिए, हमारे बहुत खुशकिस्मती है कि ये महाराज यहाँ हुए, यहाँ संगीत की नदियाँ बह रही हैं। जब ये लोग बैठते हैं स्टेज पे तो लगता है कि स्टेज सज गई है। ये बाकी भी जो और उनके साथ आए हैं, उन्होंने भी किसी से कम नहीं परफॉर्म किया, बहुत अच्छा है। परमात्मा इनको और भी अच्छा गुण दे।